जैन साथियों, रोजगार विद थिंकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है, मैं आज कोई आपके लिए एग्जाम से संबंधित वीडियो नहीं लेकर के आया हूँ। आज क्या है, आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लास लेकर के आया हूँ, जिसका मैंने पहला भाग आपके लिए करा रखा है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है पहली वीडियो की, आप वहाँ से जा करके अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, भारत और उसके पड़ोसी देश, स्टैटिक जीके में हमने टॉपिक लिया था पहले भारत और उसके पड़ोसी देश, उसका पहली क्लास हमने आपको करा दी है, जिसमें मैंने आपको भारत के बारे में, भारत से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, उसकी राजधानी, राष्ट्रीय फल वगैरह, राष्ट्रीय चीज़ें जो भी हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उस क्लास में आपको कराए थे। उसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। एक एक करके सभी जो भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बांग्लादेश के बारे में ही क्यों बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो ऐसा देश है एक, जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। मात्र सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है भारत की, जो सबसे अधिकतम सीमा अपनी भारत के साथ जोड़ता है, भारत के साथ जिसके संबंध ज़्यादातर बने रहते हैं, वो कौन सा देश है, वो है हमारा बांग्लादेश। इसलिए हम पहली क्लास में आज लेकर के आए हैं आपको बांग्लादेश के बारे में। ये आपकी दूसरी क्लास रहने वाली है भारत समकालीन की, भारत और उसके पड़ोसी देशों की ये दूसरी क्लास है। तो इसके बारे में आज हम पूरी में बांग्लादेश के बारे में आपको डिटेल प्रक्रिया में बताऊंगा, क्या क्या बाकी बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे यहाँ की कंपटीशन एग्जाम होते हैं, आपका ISPCS और आपके जो वनडे एग्जाम है, सभी में जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से बनते हैं, सारे क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं से, जो मैं आपके द्वारा, मेरे द्वारा बताया जाएगा, वो कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को जरूर देखें पूरा, तभी आपकी क्लास समझ में आ पाएगी और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी और उसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपके साथ साथ हमारे चैनल से चलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश, सबसे पहले अगर इसकी राजधानी की हम बात करें, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ढाका इसकी राजधानी है, क्योंकि देखिए, अगर कोई देश होता है तो उसकी एक राजधानी भी होती है, जहाँ पे संसद वगैरह, प्रधानमंत्री, जितने भी हमारे बड़े अधिकारी और नेतागण होते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं, तो वो राजधानी बोली जाती है। तो ढाका क्या है, इसकी राजधानी है। इसके बाद इसकी मुद्रा की हम बात करें, तो इसकी मुद्रा जो है वो टका है। मुद्रा होती है करेंसी, मतलब उसको वहाँ पर किस प्रकार के नोट चलाए जाते हैं, जिसके द्वारा लेन देन किया जाता है देश के अंदर, उसको बोलते हैं करेंसी या मुद्रा। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, भारत में, भारत में मुद्रा है रुपया, उसी प्रकार बांग्लादेश में क्या चलता है, टका। इसके बाद इसकी राष्ट्रभाषा की बात करें, तो राष्ट्रभाषा इसकी क्या है, बंगाली। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, वैसे हमारे भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रभाषा हमारे संविधान में नहीं है, हमारे यहाँ पर बोली जाती है राजभाषा, जो क्या है, हिंदी। उसी प्रकार यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है वो आपकी बंगाली भाषा है। ठीक है, इसके धर्म की बात करें, बांग्लादेश का राष्ट्रधर्म क्या है, तो इसका राष्ट्रधर्म है इस्लाम, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम समुदाय के मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है, जो मुस्लिम धर्म होता है उसी को इस्लाम धर्म का नाम दिया जाता है, तो इस्लाम धर्म यहाँ का राष्ट्रधर्म कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ के निवासी। जैसे हमारे देश में भारत के निवासियों को क्या बोला जाता है, भारतीय या इंडियन, इसी प्रकार यहाँ के निवासियों को क्या बोलते हैं, बांग्लादेशी। ठीक है, जैसे बांग्लादेश है तो उसके निवासी को क्या बोला जाएगा, बांग्लादेशी बोला जाएगा। इसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय पशु की, तो यहाँ का राष्ट्र पशु क्या है, बाघ। जैसे भारत का राष्ट्र पशु बाघ है, उसी प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्र पशु भी क्या है, बाघ है। अब इसके राष्ट्रगान की बात करें, इसका राष्ट्रगान क्या है, जैसे हमारे देश का राष्ट्रगान है जनगणमाधनायक, उसी प्रकार इसका राष्ट्रगान भी क्या है, अमार सोनार बंगला। और इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ये भी किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये जो राष्ट्रगान है, जैसे हमारा राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, उसी प्रकार ये राष्ट्रगान भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्वतंत्रता दिवस। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, उसी प्रकार बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो बांग्लादेश की हम बात करें, तो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 मार्च को मनाता है। ठीक है, 26 मार्च को ये अपना क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी दिवस इसको बोला जाता है। राष्ट्रीय पक्षी, इसका राष्ट्र पक्षी क्या है, तो राष्ट्र पक्षी है इसका मेगापाई। एक मेगापाई नाम की चिड़िया होती है, काले कलर में कोयल की तरह, वो इसका क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद इसका राष्ट्र फूल की फल की बात करें, तो इसका राष्ट्रीय फल है कटहल। कटहल क्या है, इसका राष्ट्रीय फल है। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय फल क्या है, हमारे यहाँ का राष्ट्रीय फल आम है, उसी प्रकार इसका राष्ट्रीय फल है कटहल। अब ये तो हो गए इसके छोटे छोटे पॉइंट, जो इसकी राष्ट्रीय चीज़ें हैं उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ इससे जुड़े हुए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो क्वेश्चन है उससे संबंधित।
तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों के नाम बताइए। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारत के पाँच राज्य, कुल पाँच राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरा आपका असम है, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पाँचवा आपका मिजोरम। ये आपके पाँच राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, मतलब हमारा भारत के भारतीय राज्य हैं ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगे हुए हैं। इसके बाद भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बांग्लादेश ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जोड़ता है, यानी कि लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास सीमा जो है भारत की वो बांग्लादेश के साथ लगती है। पूरे भारत की मैंने स्थलीय सीमा बताई थी, भारत की पूरी स्थलीय सीमा कितनी है? 15200 किलोमीटर है, जो कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। उसी प्रकार 15200 किलोमीटर में 4000 की जो सीमा है, 4000 किलोमीटर की, वो किसके साथ लगती है? सिर्फ बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास। भारत और बीच हमारे बहुत सारे जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं और दूर के यूरोपीय देश हैं, उनके साथ हमारा देश जो है समय समय पर क्या करता है? सैन्य अभ्यास होते हैं, मतलब एक दूसरे की सेनाओं के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, जो कि समय आने पर उनका कोई ना कोई उपयोग लिया जा सके। तो इसी प्रकार भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, जिसको नाम दिया गया संप्रीति अभ्यास। इसका नाम है संप्रीति, जो कि साल में एक बार कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली दो ट्रेन। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है इस समय सामान्य स्थिति है, हमारा जो देश है और बांग्लादेश है उसके साथ हमारी जो वार्तालाप है वो सामान्य रूप में है, इसलिए यहाँ पे दो ट्रेनें स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले उन ट्रेनों के नाम भी मैंने आपको दे रखे हैं। प्रथम जो ट्रेन चली थी वो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ये दो ट्रेनें भारत से बांग्लादेश को जाती हैं, बांग्लादेश के लिए शुरू की गई थी, कहाँ से? कोलकाता होते हुए, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें हम 1971 16 दिसंबर 1971 को यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 16 दिसंबर 1971 को। किसने बनाया? भारत ने। 1971 को क्या था? उससे पहले ये था पूर्वी बंगाल, यानी कि इससे पहले ये क्या था? पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने जो पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा उसमें क्या हुआ? बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक अलग नया देश घोषित कर दिया। किसने? हमारे भारत ने। हमारे भारत की जो सेना थी उसने इसको अपने हिस्से में नाम मिला करके एक नया राष्ट्र का नाम दिया और एक नया देश लागू कर दिया। उसके बाद इसके जनक, यानी कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में और बांग्लादेश को बनाने में जो अहम भूमिका निभाई थी, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। तो इन्हीं को बांग्लादेश का पिता या बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में इसकी प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में इसकी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जो इस समय किसकी? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। और ये शेख मुजीबुर रहमान की कौन है? बेटी है। शेख मुजीबुर रहमान इनके पिता हैं, उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। इसके बाद ये दो चीज़ें आपकी बची हुई थी राष्ट्र से संबंधित। राष्ट्र खेल क्या है इसका? कबड्डी। और राष्ट्रीय वृक्ष है आपका आम। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बांग्लादेश से जुड़े हुए, जो मैंने आपको साथ साझा किए। ये भारत और भारत उसके पड़ोसी देशों में शामिल हैं। तो एक आज हमने कवर किया आपका बांग्लादेश, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे आपका चीन के बारे में, ठीक है। इसकी अगली क्लास जो होने वाली है हमारी, वो चीन के बारे में होने वाली है। मैं एक एक करके प्रत्येक क्लास में आपको एक देश के बारे में उससे जुड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा। इस तरीके से हम 7-8 क्लासों में पूरा भारत और उसके पड़ोसी देश का जो हमारा टॉपिक है वो उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे साथ आप बने रहिए और इन क्लासों को देखिए, और क्लासें अच्छी लगें तो इनको शेयर करें। और हमें कोई भी अगर आपको हमारी गलती नज़र आए, कोई भी अगर आपसे कोई कमेंट करना है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।